जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस अभी जो वीडियो लेके आई है लद्दाख स्कॉट में जो ट्रेडमैन की भर्ती आई है उसी को लेके है। और मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी जब नोटिफिकेशन आया था ट्रेडमैन की ऐसे ऐसे भर्ती आई है, 16 जुलाई को ऑल इंडिया के कैंडिडेट जा सकते हैं, जो किसी भी कैटेगरी के हो वो भर्ती देख सकते हैं। ओपन रैली होगी लद्दाख स्कॉट, जो लद्दाख स्कॉट रेजिमेंटल सेंटर है ले में, उसी के अंदर ये भर्ती होने वाली है। उसमें अलग अलग वैसे जोन के हिसाब से जो ARO की भर्ती है वो भी होने वाली है, लेकिन वो वहीं के जो लद्दाख के हैं लोग उन्हीं के लिए, लेकिन जो ट्रेडमैन की भर्ती है वो ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और मैंने वीडियो भी बनाई थी, वीडियो में मैंने बताया भी भाई ये कौन कौन कैंडिडेट जा सकता है कौन नहीं जा सकता। मैंने ज़्यादा बोला था भाई जो NCCC सर्टिफिकेट वाले हैं वही जाने का, मतलब वही प्रेफर करें, बाकी कोई इतना कोई फ़ायदा भी नहीं है जाने का, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन उन्हीं के बीच में रहता है। और एज को लेके बहुत सारे डाउट थे, तो एज को लेके पहले जो एज चलती थी वो 18 से 23 साल थी, सभी को बताइए ट्रेडमैन की भर्ती होती थी जो अपने जो सोल्जर भर्ती होते थे, लेकिन जब अग्निपथ आया तो उसके बाद थोड़ा चेंजमेंट हो गया। अभी एज को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो मैंने इसको लेके मैं जहाँ पे, क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम लद्दाख में बिताया, तो मेरे जो भी पुराने दोस्त थे जो एक्स सर्विसमैन से लद्दाख स्कॉट से मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं और जो सिविलियन के तौर पर भर्ती हो चुके हैं डिफेंस में, ऑर्डनेंस में या सप्लाई में, उसमें तो उनसे मैंने बात करी, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मैं चलो आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप पूरी नहीं देखोगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पे धक्के खाने वाली बात हो जाएगी। और आपको भर्ती देखने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन पहले जाना पड़ेगा, ये बात अपने मन में बिठा लेना। तो ये बातें मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए आप ये पूरी वीडियो देख लेना, जिसको मेरी बातें अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप स्किप कर देना, ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये जो भर्ती आई है ना ट्रेडमैन की, ये अग्निवीर है, जो अग्निवीर अपने सोल्जर भर्ती होते हैं GD के जमा, तो वो भी अग्निवीर होते हैं, और ये भी ट्रेडमैन अग्निवीर। ट्रेडमैन मान के चलो आप सफाई वाला हुआ, कुक हुआ या मैस वेटर हुआ, तो ये भर्ती होगी। अभी काफ़ी दोस्त मेरे से पूछते हैं सर कितनी इसमें वो आती है, कितनी वैकेंसी हो सकती है। देखो इसमें 500 वैकेंसी तो आती नहीं ट्रेडमैन में, इसमें कम से कम आप 15 या 20 वैकेंसी मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 वैकेंसी हो सकती है, 30 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगी। तो इतने देख लो इतनी वैकेंसी रहने वाली है लद्दाख स्काउट में। और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ले के अंदर है, जो आप एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये भर्ती होने वाली है और 16 जुलाई को होने वाली है। और ये अग्निवीर के तहत, मतलब अग्निपथ स्कीम है, उसी के तहत भर्ती होगी। अभी काफ़ी दोस्तों को डाउट था तो मैं बता देता हूँ, पहले जो भर्ती होती है ट्रेडमैन की 18 से 23 साल उम्र थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम आने के बाद इनकी 17.5 से 21 साल कर दिए, तो इस भर्ती के अंदर जो आपकी एज रहने वाली है तो 17.5 से 21 साल रहने वाली है। जिसने भी दोस्त ने मतलब भर्ती देखने जाना है वो थोड़ा सा अपना हिसाब किताब हिसाब से चले जाना। अब मैं NCCC वाले किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दोस्त जाते हैं ना, वो NCCC वाले ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका फिजिकल वगैरह नहीं निकलती, तो फिर वो सोचते हैं भाई वहाँ पे भर्ती निकले ट्रेडमैन की भर्ती देख लें। और पिछले जो मतलब अग्निपथ स्कीम आने से पहले वहाँ पे भर्तियाँ पहले भी होती थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, नेट नोट्स का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, ये तो कोरोना के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, तो उसके बाद लोग जागरूक हो गए तो काफ़ी भीड़ जाने लगी। नहीं, पहले लिमिटेड मात्रा में जाते थे, लिमिटेड कैंडिडेट होते थे, तो मैक्सिमम जो NCCC वाले जाते थे या बी वाले जाते थे ना, मैक्सिमम दोस्त लग जाते थे, तो इस वजह से काफ़ी दोस्तों ये लगने लग गया हाँ वहाँ जाते भर्ती हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा भाई दोस्तों सीधी बात बता देता हूँ, कंपटीशन हो गया है, NCCC सर्टिफिकेट वालों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। फिर उसके बाद लिस्ट लगती है कोई एज के हिसाब से, या वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेते हैं तो उस हिसाब से लिस्टें लगती हैं। तो ये तो मैंने एज को लेके आपको बता दी। अब काफ़ी दोस्त पूछते हैं सर हम जाए कितना खर्चा हो जाएगा, हम जाए या न जाए। तो देखो जाना ना जाना वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते, लेकिन आप खर्चे को लेके बात पूछोगे ना, और खर्चे वाली बात बताने के बाद मैं आपको ये बता दूंगा आपको कितने दिन पहले जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो पूरी देख लेना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है। तो मैं बता दूँ खर्चा कम से कम आप मान के चलो आपकी जेब में 20,000 रुपये होना चाहिए, अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो 20,000 रुपये आपके मतलब खर्च करने की लिमिट होनी चाहिए। खर्चा 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है बाई रोड जाओगे तो, क्योंकि आप अपने जैसी भी ट्रेन वगैरह से, तो आप जैसी भी टिकट करवा के 100-200-300 रुपये की आप जम्मू तक चले जाओगे, जम्मू का जो जम्मू तवी स्टेशन है वहाँ तक चले जाओगे, लेकिन उसके बाद आप वहाँ आगे लद्दाख में कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई ट्रेन का कोई रास्ता नहीं है, कोई दोस्त सोचे भी मैं ट्रेन से चले जाऊँ, वहाँ पर आप बाई रोड जा सकते हो, एक तो मनाली की तरफ से जा सकते हो ले के अंदर, एक जा सकते हो आप जम्मू से श्रीनगर होते हुए
लेह की तरफ। और ज्यादा जानकारी और भी डिटेल में चाहिए तो मेरे जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां की, मेरे पास बहुत सी वीडियो है, मैंने होटल की या ग्राउंड की सारी वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना पूरी डिटेल में। मैं लद्दाख में काफी लंबा टाइम बिताया तो मेरे को सारी जानकारी है, और मैंने बहुत सी वीडियो शूट कर रखी है सर्दी के टाइम की भी कर रखी है, जब वहां पे सब कुछ जमा होता है, नदी भी जम जाती है, बर्फ जमी होती है वो भी है, और गर्मी के टाइम में कैसा मौसम होता है वो भी है, तो जुलाई में कैसा मौसम रहने वाला है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, कितनी सर्दी होती है कितनी गर्मी होती है। तो मैं भी आपको खर्चे वाली बात पे लौटता हूँ, तो आप अगर जम्मू तक तो देखो जैसे तैसे ट्रेन में चले जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको अगर बाय रोड जा रहे हो तो आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा, कोई इनोवा है, जाइलो है या बाकी कोई भी गाड़ियाँ जाती है, तो आप अगर इनोवा वगैरह में गाड़ियों में जाते हो तो उनका किराया 3 से 3,500 रुपये एक साइड का रहेगा जाने जाने का, आपको ले तक इतना मतलब कम से कम रेट रहेगा, क्योंकि टूरिस्ट सपोर्ट है वो, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं तो किराया इतना रहेगा, तो आप एक साइड जाने का खर्चा मान के चलो 3,500 रुपये, मान के चलो 3,500 रुपये में आपको वो लेके जाएगा, 3,500 रुपये में आपको ले तक छोड़ेगा, और ले तक जाने में आपको 20 घंटे लगेंगे, तो रस्ते में आप 500-400 रुपये का और खर्चा हो जाएगा खाने पीने का, तो 4,000 रुपये एक साइड जाने जाने का खर्चा हो गया, और इतना ही खर्चा फिर आप आने का मान के चलो 8,000 रुपये, तो ये सीधा आने जाने का खर्चा वो आगे आगे का हो गया, जम्मू तक का आपका कितना खर्चा हो गया वो अलग बात है, तो आप 10,000 रुपये तो आने जाने में बाय रोड में खर्चा कर चुके हो, ये तो मैंने सिंपल बताया है भाई, आप लेह तक पहुंचोगे वहां पे भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी टैक्सी वगैरह कोई बुक करने के लिए बोलोगे, वैसे तो आप अगर जो अपने बस वगैरह यूज करोगे तो 20-30 रुपये में आपका कम चल जाएगा, क्योंकि ले एयरपोर्ट से, ले से इसकी जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर है इसकी दूरी 2-3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से आप किसी बस वगैरह में बैठ के आ सकते हो 20-30 रुपये में, तो ये आपका देख लो। और कोई कुछ दोस्त अगर सोच रहे हैं भाई मैं बाय एयर जाऊँ, तो बाय एयर की आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से फ्लाइट जाती है तो वहाँ से आप टिकट चेक कर लेना, ले रेन पहुंचे बांकुला मतलब एयरपोर्ट के नाम से मिलेगा, IXL लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो ले का मतलब एक एयरपोर्ट है, वहाँ की टिकट देखोगे तभी टूरिस्ट वैसे गा रहे 5-6-7-8,000 रुपये आपको एक साइड की टिकट मिलेगी जाने की, और एक साइड आने की तो 1500-16,000 रुपये खर्चा आपका जाने आने का हो जाएगा, ये मैंने फ्लाइट का बताया, जाने का आप 7,000 रुपये मान के चलो मिनिमम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है इसका रेट, एक के घंटे में भी चेंज होता रहता है, लेकिन आप 5-6,000 से नीचे तो आपको रेट मिलेगा नहीं, तो ये आपको बाय एयर खर्चा पड़ने वाला है दोस्तों। अब रही बात वहाँ पे रुकने की, आप मान के चलो डेली आपके 1,000 रुपये खर्चा होने ही होने वाला है, आप वहाँ पे रुकते हो, अब रहे मैं बता रहा हूँ रुकने अभी 3-4 दिन पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ यहाँ जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ के इन्वायरमेंट में और वहाँ के इन्वायरमेंट में काफ़ी फर्क है, आप सोचोगे वहाँ पे हम जाते ही रनिंग कर देंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन पहले दिन जाओगे ना तो आपको थोड़ी सी सांस चढ़ेगी, हाँ यार, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अंदर ऐसे महसूस होगा यार चलते हुए भी आपको सांस चढ़ेगी, आपको 2 से 3 दिन आपको सेट होने में लगेंगे, तो जो भी कैंडिडेट जाता है 3 दिन पहले जरूर जाए, वैसे तो वहाँ पे जो एडवाइजरी होती है उसमें 6 दिन लिखा होता है, वह आपको 6 दिन पहले आना पड़ेगा एनवायरनमेंट में डरने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी 3 दिन पहले जाओगे तो आप वो भी खर्चा लगा लो, हर रोज 1,000 रुपये खर्चा करोगे तो वो अलग से खर्चा हो गया, तो और फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा, तो आप कम से कम आपका 8 से 9 दिन का बजट और मान के चलो तो 8-9,000 रुपये 10,000 रुपये और खर्चा हो जाएगा, तो 20,000 रुपये मैंने नॉर्मली बता दिया बाय रोड का, और बाय एयर जाओगे तो 25 से 30,000 रुपये खर्चा होने वाला है, तो यही वजह है जो भी दोस्त जाना चाहता है तो अपने बजट के हिसाब से जाए, एज मैंने बताई दी है 17.5 से 21 साल है, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे और इसमें वैकेंसी इतनी रहने वाली है, तो जिस भी दोस्त को मतलब इंटरेस्ट है जाने में तो वो अपना पहले तो बजट देख लेना, फिर भाई मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जिसकी ठीक ठाक तैयारी है ना वही जाए, कहीं सोच रहे वहाँ टाइम जरूर आपको अच्छा खासा मिलेगा, 6 मिनट पूरे मिलने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि ये नहीं है 5 मिनट है, 5 मिनट में वहाँ पे 1600 मीटर कोई नहीं करने वाला, वहाँ पे मतलब तो बहुत टफ लोकेशन है, टफ सिचुएशन रहती है सांस से, और जो दोस्त रनिंग करना चाहता है मैं रनिंग निकालना चाहता तो उसको मैं एक और तरीका बता देता हूँ वहाँ पे रनिंग करने का, आप मतलब स्टार्टिंग में चलोगे आपने जो स्टेप बनाए रखे हैं ना जो भी स्टेप आपके वो उन स्टेपों पे रहना है, पहला दूसरा चक्कर आप ठीक ठाक मतलब स्पीड में मारना है, तीसरे में थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं मैंने शूट मार दूंगा और मैं
मतलब 1600 स्ट्रोक में कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप शूट मारने चक्कर में बेहोश भी हो सकते हो, वहाँ पे आप देख भी लेना एम्बुलेंस वहीं खड़ी रहेगी। वहाँ पे रनिंग करते हुए काफ़ी दोस्त मतलब जो शरीर के साथ ज़्यादा धक्का करते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने जो भी स्टेप बना के रखो उन्हीं स्टेपों पर आप आराम से 6 मिनट में तो कर ही दोगे यार, तो 6 मिनट का टाइम पूरा मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिल जाए। तो यह आपको फिजिकल करने का सही तरीका है। और ये वीडियो इसलिए बनाई भाई कोई दोस्त किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि पैसा देखो 20-25 हज़ार रुपये ऐसे जो हम भर्ती देखने जाने वाले कोई अमीर करके जाने वाले हैं नहीं, सारे गरीब घरों के हैं, जो भी खेती करने वाला है कोई मजदूरी करने वाला है ऐसे परिवारों से जाने वाले हैं। तो वो अपना बजट देख लेना भाई, आपको ये जो भी सिचुएशन है या आपकी जो हालात आपको शूट कर रहे हैं तभी आप भर्ती देखने जाना दोस्तों। तो जो एज वगैरह को लेके, क्योंकि एज को लेके पहले मेरे को भी कन्फ्यूजन थी, पहले भर्ती होती थी जो मेरे जानकार मतलब दो दोस्त भर्ती हुए थे उस टाइम 18 से 23 साल उम्र थी, तो उस टाइम वो सभी अगर पूछे हाँ 23 साल है। लेकिन अब अग्निवीर स्कीम में वो 17.5 से 21 कर दी, तब वो क्राइटेरिया लागू होने वाला है और ये अग्निवीर स्कीम पे भर्ती है। तो यही अपडेट थी, अगर मेरी अपडेट आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सही और एक्यूरेट जानकारी देता हूँ। और आपको लेके होटल वगैरह के बारे में जो भी कौन से अच्छा खाना वगैरह मिलता है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।